हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम मॉडल्स को डिस्कस कर रहे हैं, मॉडल्स सीख रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि होती क्या हैं और इनके प्रयोग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। देयर आर 13 मॉडल्स एज वी ऑल नो, और हमने उनमें से लगभग 10 मॉडल पढ़ लिए। अब हमारे 3 मॉडल बचे हैं, जिनमें से एक है हमारा मस्ट, जो हम आज देखने वाले हैं। फिर आएगा नीड और डेयर। एज यू ऑल नो, मैंने आपको पहले ही बताया कि नीड और डेयर जो है सेमी मॉडल्स हैं, मतलब ये मॉडल्स के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं, सॉरी मेन वर्ब का काम भी करते हैं। मॉडल भी हैं और मेन वर्ब भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पहले हम आज के वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं उस पर चर्चा कर लें। सबसे पहले हम देखने वाले हैं आज मस्ट को। इसका मीनिंग देखिए, इसको हम बोल सकते हैं ज़रूर, चाहिए या जरूर होगा के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। जरूर होगा, जरूर पड़ेगा भी कई लोग बोल देते हैं कि ज़रूर ऐसा करना पड़ेगा, इस कंटेक्स्ट में इसका प्रयोग करते हैं। नॉर्मल रूप से चाहिए के लिए हमने शुड और ऑट टू का प्रयोग किया है, उनमें डिफरेंस को भी देखा है। सबसे पहला प्रयोग मस्ट का हम करते हैं, वो होता है दोस्तों कंपल्सन के लिए। हिंदी में इसको बोलेंगे बाध्यता, मतलब यदि आप किसी कार्य को करने के लिए बाध्य कर दिए जाते हैं, मतलब आपको ऑब्लिगेटरी हो जाता है वो काम करना ही है। जैसे कि मैंने कहा कि यू मस्ट सिट साइलेंट, तुम्हें चुप बैठना ही पड़ेगा, या यू मस्ट वेयर मास्क, तुम्हें मास्क पहनना ही पड़ेगा। मतलब कहीं कर दिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रूल बना दिया है कि मास्क पहनोगे तो ही अंदर आ पाओगे, अदरवाइज नहीं आ पाओगे, या एक घंटे में होमवर्क करना ही पड़ेगा, तो ये कंपल्शन हुआ ना, कल इस समय तक आपको आना ही पड़ेगा, है ना। तो ये कंपल्शन के लिए, बाध्यता के लिए मित्रों हम प्रयोग करेंगे काय का, मस्ट का। तो ये था इसका पहला प्रयोग, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, सेकेंड इसका जो प्रयोग है वो होता है स्ट्रॉन्ग मॉरल ड्यूटी। स्ट्रॉन्ग मॉरल ड्यूटी, अब देखिए स्ट्रॉन्ग मॉरल ड्यूटी में क्या कहना चाह रहा है। एक मॉरल ड्यूटी यानी कि जो नॉर्मल हमारी जो नैतिक ड्यूटीज थी, मतलब नैतिक कर्तव्य वगैरह थे, जैसे कि यार हेलमेट पहनना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए, वो हमने शुड और ऑट से बोले। बट यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग मतलब वो चीज़ आपको करना ही है, मतलब एक तरीके से फोर्स है आप करिए वो। जैसे कि मैंने कहा वी मस्ट सेव अवर कंट्री, कि हमें देश की रक्षा करना ही चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चीज़ है भाई। अपने देश की रक्षा नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, स्ट्रॉन्ग मॉरल ड्यूटी। और आज के कंटेक्स्ट में तो ये भी कह सकता हूँ कि वी मस्ट वेयर मास्क टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ अगेंस्ट कोरोना, कोरोना के खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको मास्क पहनना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग मॉरल ड्यूटी है। आप मतलब इसको लाइटली नहीं ले सकते, आपको मास्क पहनना है। यू मस्ट यूज सैनिटाइजर, यू मस्ट यूज सैनिटाइजर, यू मस्ट वॉश योर हैंड्स रेगुलरली एट रेगुलर इंटरवल्स, ऐसा भी कह सकता हूँ। तो जब स्ट्रॉन्ग मॉरल ड्यूटी की बात होती है, अब जैसे स्ट्रॉन्ग टाइम एग्जाम टाइम है, यू मस्ट स्टडी हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, तो ये करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मॉरल ड्यूटी है। यार एग्जाम टाइम नहीं पढ़ोगे क्या, पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग मॉरल ड्यूटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगली बात हम इसमें करते हैं पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। यहाँ पर पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब जैसे कि शाम को 7 बजे पापा घर आ जाते हैं और डोरबेल को नॉक करते हैं, या डोर को नॉक करते हैं, डोरबेल बजाते हैं, सॉरी। तो मैंने कहा देखो बेटा, मम्मी बोली देख बेटा पापा होंगे, तो क्या बोलेंगे, ही मस्ट बी योर फादर, देख बेटा जरूर पापा आ गए होंगे, ऐसा बोलते हैं ना कई बार कि देख बेटा जरूर ऐसा होगा, है ना। तो जरूर पापा, उन्होंने कहा कि वो अच्छा मेहनत कर रहा था, ही वर्कड हार्ड, मैंने कहा ही इज वर्किंग हार्ड, है ना। अब क्या बोल रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, ही मस्ट पास, उसको जरूर पास होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए, मतलब ये कि पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी ज़्यादा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हो ही जाएगा, है ना, ये भी हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है पॉसिबिलिटीज़ वाली। अब जैसे कि मैंने कहा कि भाई अब मालूम पड़ा हमको कि जैसे कि भाई इंडिया के किसी ओपनर ने डबल सेंचुरी मार दी, यार रोहित होगा जरूर से, वो रोहित ये कारनामा 2-3 बार कर चुका है, तो चांसेस उसके होने के ज़्यादा हैं। रात को 2 बजे कोई खिड़की तोड़ के घुसना है तो ही मस्ट बी अ रॉबर, चोरी होगा, डकैती होगा, अच्छे आदमी तो रात को 2 बजे आते नहीं हैं, और आते हैं तो गेट से आते हैं, खिड़की से आने का तो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो ये उसके लिए होता है। अब जैसे कि एक चीज़ और इसके लिए प्रयोग करते हैं, ये होता है सर्टेनिटी। जैसे कि मैंने कहा ही इज लुकिंग ओल्ड, वो बूढ़ा दिख रहा है, ही मस्ट बी अबोव 50,
कि वो थोड़ा बूढ़ा दिख रहा है, जरूर 50 से ऊपर का होगा, मतलब ये सर्टेनिटी भाई, यार बुजुर्ग दिख रहा है तो बुजुर्ग आदमी 50 के ऊपर होगा, इसी संभावना ज्यादा मानी जाती है। तो किसी काम को लेके सर्टन हो जाओ जब भी आप मस्ट का प्रयोग दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रयोग में देखते हैं मस्ट का अगला प्रयोग क्या है। अगले प्रयोग में हम देख रहे हैं, ये दिखाता है निगेशन को, निगेशन या इसको हम कह सकते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज़ को लेकर मनाही है, आपको ये काम नहीं करना है, उस प्रोहिबिशन के लिए भी मित्रों मस्ट का प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि यू मस्ट नॉट स्मोक इन द पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थलों पर आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, मनाही है। ठीक है, किसी काम की मनाही अगर है, जैसे कि यू मस्ट नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, इसके लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। किसी भी चीज़ की मनाही कि ये काम आपको नहीं करना है, ऐसा नहीं करेंगे तो आप इसके लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला इसका प्रयोग करते हैं स्कूल वगैरह में, ऑफिसेस में जो रिटर्न ऑर्डर्स रहते हैं उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं हम। जैसे सपोज करें कल 15th of August है, आप बोल रहे हैं कि सभी को कल व्हाइट यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा या आना होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट वेयर व्हाइट यूनिफॉर्म टुमारो, है ना, कल सभी विद्यार्थियों को व्हाइट यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगी या पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। तो ये क्या है, रिटर्न ऑर्डर के फॉर्म में है, इसलिए भी यहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग दोस्तों करते हैं। आई होप मस्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अगले यूज में देखते हैं हम मस्ट हैव का प्रयोग। देखिए, मस्ट हैव का प्रयोग हम दो कंटेक्स्ट में करते हैं। पहला होता है ज़रूर चाहिए था, मतलब इसको हम पास्ट में ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, ये ज़रूर चाहिए था, और एक हो जाएगा इसका ज़रूर होगा। दो तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। अब आपको अंतर कैसे मालूम पड़ेगा, अंतर मालूम पड़ेगा सेंटेंस को पढ़ के, सेंटेंस के कंटेक्स्ट को समझ के। जैसे कि मैंने कहा, इफ शी हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वो ज़रूर पास हो गई होती। तो यहाँ क्या कह सकता हूँ मैं, सी मस्ट हैव पास्ड, तो वो ज़रूर पास हो गई होती, अगर तुम तेज दौड़े होते तो ट्रेन को ज़रूर पकड़ लिया होता, इस कंटेक्स्ट में। अब ज़रूर होगा के सेंस में हो गया, अब जरूर चाहिए था, जैसे कि मैंने कहा इस साल पास हो जाना चाहिए था, तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका, सी मस्ट हैव पास्ड द एग्ज़ाम, उसे एग्ज़ाम पास कर लेना चाहिए था, है ना। जैसे कि उन्होंने कहा भाई ये एग्जाम पास कर लेगी तो जॉब मिल जाएगी, कर लेना चाहिए था, ज़रूर से करना चाहिए था, अब जॉब कैसे मिलेगी। तो ये हो गया आपका मस्ट हैव। आज के वीडियो में दोस्तों हमने मस्ट और मस्ट हैव को समझा, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर कोई डाउट आपके मन में है या कोई क्वेरी वगैरह आ रही है तो आप बिल्कुल बिना किसी संकोच के, विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी मुझे कीजिए, मेरे वीडियो को पसंद करिए, कमेंट करके मुझे इनकरेज करें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।